प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए फलन का समाकलन x के सापेक्ष कीजिए। यह x अपॉन x माइनस वन, ये x माइनस टू। तो इस प्रकार के फलन हैं, इसका समाकलन करने के लिए थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आंशिक भिन्नों में परिवर्तन करते हैं, अर्थात इसको हम आंशिक भिन्न में बदलते हैं और फिर उसका समाकलन करते हैं। ध्यान देंगे तो आपको यह मिलेगा कि अंश में जो बहुपद है या पद है उसकी डिग्री, और हर में जो पद है उसकी डिग्री, हर में जो पद है उसकी डिग्री बड़ी है और अंश में जो पद है उसकी छोटी, उसकी डिग्री छोटी है, अंश में जो पद है उसकी डिग्री छोटी है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो इस प्रकार यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हम सीधे तौर पर आंशिक भिन्नों में बदलने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना दिए गए फलन का समाकलन है आई एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए प्रक्रिया करेंगे। पुनः माना कि एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। माना कि यह समीकरण एक है। अब यदि लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे राइट हैंड साइड का तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और अंश में आपको मिल जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। देखिए इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तन मिलेगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इस पद को x माइनस वन से भाग देंगे तो आएगा x माइनस टू, तो x माइनस टू का गुणा a के साथ हो जाएगा। इस तरीके से b के हर में है x माइनस टू, इस पूरे पद को x माइनस टू से भाग देंगे तो आएगा x माइनस वन, x माइनस वन भागफल आएगा उसका गुणा करेंगे b से, तो ये b इंटू एक्स माइनस वन और ये x के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको और सरल करेंगे और x के गुणांकों को हम कलेक्ट कर लेंगे। देखिए x कब कब आएगा, जब x के साथ में a का गुणा होगा और x के साथ में जब b का गुणा होगा, ये प्लस साइन के साथ में है तो ये a प्लस b आएगा। फिर कांस्टेंट में देखा जाए तो माइनस टू ए और ये b इंटू माइनस वन माइनस बी। अब हम लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, देखिए यहाँ पर x का गुणांक है a प्लस बी, यहाँ पर x का गुणांक है एक, तो मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू वन। मान लेते हैं कि समीकरण एक है। दूसरा राइट हैंड साइड पर है माइनस टू ए माइनस बी और लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट है ज़ीरो। तो यदि राइट हैंड साइड से मैं ज़ीरो, यदि राइट हैंड साइड से माइनस को उभयनिष्ठ लेकर के कैंसिल कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा टू ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। समीकरण, ये समीकरण एक, ये समीकरण दो और इसे समीकरण तीन नाम देते हैं। अब दो और तीन को सरल करना है और फिर ए और बी का मान हमें चाहिए होगा। तो तीन को यदि मैं सरल करूं तो बी इक्वल टू मिल जाएगा माइनस टू ए। अब इसको समीकरण दो में रख देते हैं, समीकरण दो में या समीकरण दो से ऐसा भी कर सकते हैं, ए और बी के स्थान पर रखना है माइनस टू ए, तो माइनस टू ए इक्वल टू वन, ए माइनस टू ए दैट इज माइनस ए इक्वल टू वन, और दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू माइनस वन। तो ए का मान हमें मिल चुका है माइनस वन। अब बी का मान यहाँ से ए का मान इस पे रख देंगे तो हमें बी का मान मिल जाएगा, तो बी इक्वल टू माइनस टू ए इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज टू। तो इस प्रकार हमें बी का मान मिल चुका है टू। तो इसका मतलब ये कि आप एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को आंशिक भिन्न के रूप में इस तरीके से लिखेंगे, a अपॉन x माइनस वन, तो a के स्थान पर है माइनस वन और फिर ये x माइनस वन, फिर b के स्थान पर है टू, तो ये टू अपॉन x माइनस टू। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे, जैसे कि हमने फलन का समाकलन को i माना है। तो आगे सरल करते हैं,
दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसके बराबर ये है तो हमें ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन माइनस वन एक्स माइनस वन डी एक्स और फिर प्लस टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। माइनस वन कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ पर टू कॉन्स्टेंट है ये भी समाकलन चिन्ह के बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस टू और प्लस सी, प्लस सी जहाँ पर समाकलन सी जो है वो समाकलन नियतांक है। अब चाहें तो इसको थोड़ा और सरल करके लिख सकते हैं या सीधा लिखें इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो पहला प्रश्न दिया गया है वन अपॉन एक्स इंटू एक्स का पावर फोर माइनस वन, इसका समाकलन हमें एक्स के सापेक्ष करना है। तो हम लिखेंगे कि माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स का पावर फोर माइनस वन, मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है। अब यदि आप x का पावर 4 का अवकलन करें तो d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 4 तो आपको मिल जाएगा 4x क्यूब। तो इस राशि का अंश और हर में गुणा करेंगे, अंश व हर में 4x क्यूब का गुणा करने पर तो आपको मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 4x क्यूब dx अपॉन 4x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये पावर 4 मिल जाएगा आपको और फिर ये x का पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे माना x का पावर 4 इक्वल टू t, ये समीकरण 2 है। इसका जब अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 4x क्यूब dx इक्वल टू dt, ये समीकरण 3। इन दोनों मानों को इसमें हम रख देते हैं तो i इक्वल टू देखिए 4x क्यूब dx को लिख सकते हो आप dt और फिर ये 4 x का पावर 4 को आप लिखेंगे t और फिर से यहाँ पे t माइनस 1। अब यहां से 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा फिर इंटीग्रेशन साइन dt अपॉन t और फिर ये t माइनस 1। मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 है तो 1 अपॉन t इंटू t माइनस 1 इसे आंशिक भिन्नों में बदलेंगे ये मिल जाएगा a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1। मान लेते हैं कि ये समीकरण 5 है, आंशिक भिन्न को किस प्रकार सरल करते हैं आप देख चुके हैं तो मिल जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू t माइनस 1 प्लस b इंटू t। गुणांकों की तुलना कर सकते हैं तो आगे लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर या फिर इसे आप और सरल कर सकते हैं t के साथ यहां पर a का गुणा होगा और यहां पर ये b का गुणा होगा फिर ये माइनस a 1 2 3 तीन टर्म हो गए। इस प्रकार गुणांकों की तुलना करेंगे t के साथ यहां पर a प्लस b और यहां पर t वाला पद उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब क्या कि a प्लस b इक्वल टू जीरो दैट इंप्लाइज a इक्वल टू माइनस b या b इक्वल टू माइनस a इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फिर राइट साइड पर माइनस ए है और लेफ्ट राइट पर कांस्टेंट है एक तो यहां से मिल जाएगा माइनस वन माइनस ए इक्वल टू वन दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू माइनस वन तो यहां से आपको मिल जाएगा बी इक्वल टू माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस तो ए की वैल्यू मिल गई माइनस वन बी की वैल्यू मिल गई वन तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं वन अपॉन टी इंटू टी माइनस वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन। अब इस पद का दोनों पक्षों में हम समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस वन इक्वल टू माइनस वन टी माइनस वन डी टी अपॉन टी प्लस इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन टी माइनस वन।
तो इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस साइन लॉग टी प्लस लॉग ऑफ टी माइनस वन, और प्लस सी लगा सकते हैं जहां पर सी समाकलन नियतांक है। तो यदि इसे सॉल्व करना हो तो पहले सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर एक्स की वैल्यू या टी की वैल्यू एक्स के पदों में हम लिख सकते हैं। हमने यह माना था कि एक्स का पावर फोर इक्वल टू टी, तो आगे मिल जाएगा माइनस लॉग एक्स का पावर फोर प्लस लॉग एक्स का पावर फोर माइनस वन और फिर प्लस सी। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग ऑफ एम बाई एन, तो उस रूल से आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स का पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स का पावर फोर और प्लस सी। तो इस प्रकार समीकरण चार से यदि आप मान रखें, समीकरण चार में I इक्वल टू है वन बाई फोर डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस वन, तो ये जो राशि है इसमें वन बाई फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे, वन बाई फोर इंटू लॉग ऑफ एक्स का पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस सी। तो ये जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है, तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। या फिर आप इस प्रकार लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स का पावर फोर माइनस वन इक्वल टू वन बाई फोर लॉग ऑफ एक्स का पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस सी वन, जहाँ सी वन इक्वल टू वन बाई फोर सी। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस फोर एक्स होल अपॉन, तो क्वेश्चन है कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन वन माइनस टू कॉस थ्री एक्स। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन है आई, ये कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन वन माइनस टू कॉस थ्री एक्स डी एक्स। पहले इस राशि को हम सरल कर लेते हैं और फिर बाद में हम इसका समाकलन करेंगे। तो ये कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन वन माइनस टू कॉस थ्री एक्स इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस एक्स, और ये है वन माइनस टू कॉस थ्री एक्स। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो आपको मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होल अपॉन में है वन माइनस टू कॉस थ्री एक्स। तो यहां पर हमने कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी इस फॉर्मूले का उपयोग किया। अब कॉस एक्स इस पद पर है और इस पद पर है, तो इन दोनों पदों से यदि आप कॉस एक्स को कॉमन लेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा कॉस सिक्स एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स, और साइन सिक्स एक्स है तो इसे आप लिख सकते हैं टू टाइम्स साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पर जो एंगल इसका हाफ, तो ये थ्री एक्स और फिर कॉस थ्री एक्स और फिर ये साइन एक्स, तो ये वाला पद भी हमने सरल कर लिया, और फिर माइनस साइन थ्री एक्स और फिर साइन एक्स होल अपॉन वन माइनस टू कॉस थ्री एक्स। अब कॉस सिक्स एक्स जो है, ये कॉस सिक्स एक्स, तो ये पहला कॉस एक्स, और कॉस सिक्स एक्स को हम लिख सकते हैं टू टाइम कॉस स्क्वायर थ्री एक्स माइनस वन और फिर प्लस ये कॉस थ्री एक्स प्लस, इन दोनों पदों से यदि आप साइन थ्री एक्स और साइन एक्स को कॉमन ले लें, साइन थ्री एक्स और साइन एक्स को कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा टू कॉस थ्री एक्स माइनस वन। अब देन होल अपॉन में है वन माइनस टू
cos 3x, ये cos x और फिर 2 cos स्क्वायर 3x, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 3x माइनस cos 3x और फिर ये माइनस 1, फिर प्लस sin 3x sin x इंटू 2 cos 3x माइनस 1 इंटू होल अपॉन है 1 माइनस 2 cos 3x. तो प्रथम दोनों पदों से 2 cos 3x हम कॉमन लेंगे, 2 cos 3x, तो यहां पर मिल जाएगा cos 3x प्लस 1 और फिर यहां से अब माइनस कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा cos 3x प्लस 1, फिर प्लस sin 3x और फिर sin x, फिर इनटू है 2 cos 3x माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x. इन दोनों पदों पर cos 3x प्लस 1 कॉमन है तो उससे उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो मिल जाएगा cos x और फिर cos 3x प्लस 1, फिर 2 cos 3x माइनस 1, फिर प्लस sin 3x sin x और फिर 2 cos 3x माइनस 1. अंश में आप देख पा रहे हैं कि दोनों पदों पर 2 cos 3x माइनस 1, 2 cos 3x माइनस 1 है और हर में यदि आप माइनस को कॉमन ले लें तो हम अंश में माइनस साइन लगा रहे हैं और हर को चेंज कर रहे हैं 2 cos 3x माइनस 1. तो इस प्रकार ये पद और हर का ये पद टोटली कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा माइनस cos x इंटू cos 3x प्लस 1 प्लस sin 3x इंटू sin x. तो जो माइनस साइन है वो यहां पर जब आएगा तो ये दोनों को ब्रैकेट में लेके जाएगा और माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये ब्रैकेट ओपन करके आगे हम इसको सरल करेंगे. तो हम सॉल्व कर रहे थे cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x और ये हमें मिला था माइनस साइन cos x इंटू cos 3x प्लस 1 माइनस sin 3x और sin x. तो यदि माइनस साइन कॉमन लें और ब्रैकेट ओपन कर दें तो मिल जाएगा cos x cos 3x प्लस cos x माइनस sin 3x और sin x. माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा प्लस. तो इस पद को और इस पद को देखा जाए तो ये है cos a cos b प्लस sin a sin b अर्थात cos ऑफ a माइनस b. तो मिल जाएगा माइनस साइन cos ऑफ 3x माइनस x और फिर ये cos x. तो मिल जाएगा माइनस साइन cos 2x प्लस cos x या फिर माइनस cos 2x माइनस cos x. तो ये मान हमें मिला है. अब इस फलन का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा i इक्वल टू इस फलन का समाकलन तो माइनस cos 2x माइनस cos x इसका समाकलन. तो cos x का मिल जाएगा sin x, यहां पर cos 2x है तो sin 2x अपॉन 2 और फिर cos x के स्थान पर हमें मिल जाएगा sin x और प्लस c जहां पर c समाकलन नियतांक है. तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था. इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है 1 अपॉन साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, इसका समाकलन हमें करना है. तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन है आई, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि ये थीटा है तो थीटा के सापेक्ष हमें करना होगा. तो डी थीटा अपॉन साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा. इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए हमें या इस प्रश्न को सरल करने के लिए हमें अंश व हर में कॉस का पावर 4 थीटा से
भाग देना होगा। तो हम लिखेंगे कि अंश व हर में कॉस का पावर 4 थीटा से भाग देने पर, तो ये आपको मिल जाएगा 1 upon cos का पावर 4 थीटा d थीटा upon sin का पावर 4 थीटा upon cos का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस का पावर 4 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा sec का पावर 4 थीटा d थीटा अपॉन, इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा tan का पावर 4 थीटा प्लस 1। अब sec का पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन tan का पावर 4 थीटा प्लस 1। अब ये sec स्क्वायर थीटा है, उसके स्थान पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमिका से। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन tan का पावर 4 थीटा प्लस 1। चूँकि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और tan थीटा को हम x ले करके चलेंगे। माना कि tan थीटा इक्वल टू x, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू dx। तो ये जो पद है ये कुछ इस तरीके से रूपांतरित हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आपको मिल जाएगा dx अपॉन x का पावर 4 प्लस 1। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए अंश व हर में x स्क्वायर से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हर को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हम 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। जब 2 जोड़ेंगे, 2 घटा रहे हैं फिर 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पद है ये x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर देगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन, यह है x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर और फिर ये dx। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप ध्यान से देखें तो ये कि यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स है, इस पूरे पद को यदि आप t मान लें तो इसके अवकलन करने पर आपको अंश वाला पद प्राप्त होगा। अर्थात फिर से प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे। माना कि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू t, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 और इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और फिर यह dx इक्वल टू dt। तो ये जो दिया गया फलन है वो कुछ इस तरीके से रूपांतरित हो जाएगा i इक्वल टू, ये हम i इक्वल टू ही सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो अंश में जो पद है ये आपको मिल रहा है dt और यहाँ पर हर में जो पद है ये है t का स्क्वायर और फिर ये रूट 2 का स्क्वायर। तो ये dx इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए इस फार्मूले को बिलोंग करता है। तो डायरेक्टली हम इसका समाकलन लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। अब हमने जो प्रतिस्थापन उपयोग किया है उस प्रतिस्थापन को पुनः मूल रूप में रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स t बाई रूट 2 और t के स्थान पर ये है। तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू एक्स प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है। तो अभी तक हमने ये सॉल्व किया है और जो मूल समीकरण दिया गया है
ये थीटा के पदों में है और ये एक्स के पदों में है। तो यहाँ पर हमने ये जो टेन थीटा इक्वल टू एक्स लिया है, तो एक्स के स्थान पर पुनः हमें टेन थीटा रखना होगा और फिर जो मान हमें मिल जाएगा वो इस दिए गए फलन का समाकलन होगा। तो अल्टीमेटली आई इक्वल टू वन बाई रूट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रखेंगे तो मिल जाएगा टेन स्क्वायर। अब लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन रूट टू, एक्स के स्थान पर आप लिखेंगे टेन थीटा प्लस सी। तो ये जो फलन हमें मिल रहा है ये दिए गए फलन का समाकलन है जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगले फंक्शन दिया गया है साइन का पावर 6x, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स और फिर इसका स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइन क्यूब एक्स इक्वल टू मिलता है 1/4 3 इंटू साइन एक्स माइनस साइन 3x। इस सूत्र का उपयोग करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/4 का स्क्वायर, तो मिल जाएगा 1/16। फिर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x का स्क्वायर। तो यदि चाहें तो हम इसका आगे वर्ग करके सरल कर सकते हैं, तो ये 1/16 ए ऋण बी का वर्ग, ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 3x माइनस 6 साइन एक्स और फिर साइन 3x माइनस 2ab, तो माइनस 2 के बाद ये a, ये पूरा पद और ये b, तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये है साइन का पावर 6x। यदि इसका समाकलन किया जाए साइन का पावर 6x का x के सापेक्ष, तो हम इसका समाकलन लिखेंगे, तो ये 1/16 और फिर 9 इंटीग्रेशन साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन साइन स्क्वायर 3x माइनस 6 साइन एक्स और साइन 3x dx। यहाँ पर भी होगा dx और यहाँ पर भी होगा dx और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये 9 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिल जाएगा 9/16 और साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स इसे हम लिख सकते हैं 1 cos 2x / 2, और कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 cos 2x / 2। तो इन दोनों सूत्रों का उपयोग करके हम इन चीज़ों को रिप्लेस करेंगे तो मिल जाएगा 1 cos 2x / 2 dx, फिर 1/16 साइन स्क्वायर 3x। देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर इसका दुगुना मिलता है, तो मिल जाएगा 1 cos 6x / 2 dx और फिर माइनस 6, तो ये 6/16 मिल जाएगा पहले तो, और फिर अंदर में फलन है साइन x इंटू साइन 3x। तो एक काम करते हैं, इसे हम 3 लिखते हैं और फिर ये 2 साइन x और साइन 3x dx लिखते हैं। अब देखिए ये 2 साइन ए साइन बी इस फार्मूले में है, ये तो 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है 2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस सूत्र का उपयोग करके इसे हम थोड़ा सरल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन 3x इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस 3x और माइनस कॉस एक्स प्लस 3x, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस 2x और माइनस कॉस 4x। तो 2 साइन x और साइन 3x इंटू, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2x माइनस कॉस 4x। तो ये फलन हमें मिल रहा है 9/16 इंटीग्रेशन 1 cos 2x / 2 dx प्लस 1/16 इंटीग्रेशन साइन 1 cos 6x / 2 dx माइनस 3/16। इसके स्थान पर हम लिखेंगे cos 2x माइनस cos 4x देन dx।
अब इस फलन का समाकलन निकाल करके सरल करेंगे, फिर हमें जो चाहिए था वो मिल जाएगा। तो ये 9/16, फिर 1/2 का करेंगे तो मिल जाएगा x/2, फिर cos 2x का करेंगे समाकलन तो मिल जाएगा sin 2x अपॉन 2, और 2 2 4, फिर यहां से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा 1/32, फिर ये मिल जाएगा x माइनस sin 6x अपॉन 6, फिर माइनस 3/16 cos 2x का sin 2x अपॉन 2, और cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। तो ये दिया गया फलन का समाकलन है जो हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था।